एक बार फिर सुर्खियों में एल्विश यादव, हार्दिक पांडे की एक्स वाइफ के संग उड़े प्यार के चर्चे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा आज, मैं हूं आपके साथ कनिका। बिग बॉस ओटीटी 2 के विनर और यूट्यूबर एल्विश यादव अक्सर सुर्खियों का हिस्सा बने रहते हैं। एल्विश यादव विवादों में भी घिरे रहते हैं और आजकल तो उनका नाम किसी न किसी एक्ट्रेस के साथ भी जुड़ता ही रहता है। दरअसल इन दिनों हार्दिक पांडे की एक्स वाइफ नताशा के साथ इनका नाम जोड़ा जा रहा है। एल्विश यादव अब बड़ा नाम बन चुके हैं, वो बात अलग है कि काम में कम और विवादों में इनका नाम ज्यादा गिरा रहता है। लेकिन बीते कुछ वक्त से जो एक चीज नोटिस की गई है वो ये है कि एल्विश यादव हर ट्रेंडिंग एक्ट्रेस और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के साथ नजर आ रहे हैं। इन दिनों उनका नाम हार्दिक पांडे की एक्स वाइफ नताशा के साथ भी जोड़ा जा रहा है। माना जा रहा है कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। हालांकि इस खबर में कितनी सच्चाई है ये तो नहीं पता। बता दें, एल्विश के पिछले कुछ म्यूजिक वीडियो पर गौर किया जाए तो नताशा का उनके साथ नजर आना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बीते कुछ वक्त में एल्विश जिस भी एक्ट्रेस के साथ दिखे हैं उनका उस एक्ट्रेस के साथ नाम जोड़ दिया गया। अब आप शहनाज गिल को ही ले लीजिए। शहनाज गिल को अचानक जब एल्विश यादव के साथ फ्रेंडली फोटोज क्लिक करवाते पाया गया तो लोगों ने इनका भी नाम जोड़ना शुरू कर दिया। तो हर किसी को लगा कि उनकी जिंदगी में सिद्धार्थ के बाद अब यूट्यूबर एल्विश यादव ने दस्तक दे दी, जबकि कहानी कुछ और ही थी। दोनों का साथ में म्यूजिक वीडियो आया था इसलिए दोनों एक साथ नजर आ रहे थे। वहीं इसके अलावा शहनाज से ईशा तक के साथ एल्विश का नाम जुड़ चुका है। शहनाज से पहले ईशा मालविया के साथ भी एल्विश यादव का नाम जोड़ा जा चुका है। दोनों क्लोज होते हुए नजर आए थे। बिग बॉस के बाद ईशा काफी चर्चा में भी दिखाई दी थी, खासतौर पर अपनी निजी जिंदगी को लेकर। लेकिन एल्विश और ईशा एक गाने के लिए साथ नजर आए थे। बिग बॉस ओटीटी 3 जीतने के बाद सना मकबूल भी एल्विश से मिलने पहुंची थी। बिग बॉस फेम मायशा अय्यर के साथ भी एल्विश का गाना आ चुका है। इसके अलावा माहिरा शर्मा के साथ भी एल्विश यादव का नाम जुड़ चुका है। लेकिन ये दोनों का साथ सिर्फ म्यूजिक वीडियो के लिए था। अब एल्विश और नताशा को एक साथ देखा जा रहा है, जिससे लोग कई तरह की बातें बना रहे हैं और कई तरह के तर्क निकाल रहे हैं। इसके साथ ही लोग उनके साथ आने की वजह जानना चाहते हैं और कई तरह की बातें भी बना रहे हैं। ऐसे में कयास भी लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है ये भी कोई म्यूजिक वीडियो का ही चर्चा हो। एल्विश यादव और नताशा का साथ में नजर आना उनके अगले प्रोजेक्ट का हिस्सा भी हो सकता है या फिर शूटिंग का हिस्सा हो सकता है। खैर, जल्दी सच सबके सामने आ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा।